click the subscribe button and also press the bell icon to get the notification of every video I upload. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ मोबाइल फ़ोन्स की कंपनी के बारे में बात करेंगे, तो देखते रहिए। तो दोस्तों, कुछ खबर सामने आई है स्मार्टफोन कंपनीज़ के हवाले से, और वो ये है कि ये कंपनीज़ पाकिस्तान में अपने फ़ोन मैन्युफैक्चर करना चाहती हैं, जिनमें सैमसंग, हुआवे और नोकिया शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी और पहली रीज़न जो है वो ये है कि चाइना, जहाँ से हमारे फ़ोन मैन्युफैक्चर होकर आते हैं, वहाँ के मोबाइल कंपनीज़ में काम करने वाली लेबर उनको महंगी पड़ती है, क्योंकि वो अपने स्किल्स के मुताबिक बहुत अच्छा पेड होते हैं। उसके मुकाबले पाकिस्तान में लेबर की बात की जाए तो पाकिस्तान में लेबर की उस लेवल की वैल्यू नहीं है जो चाइना में है। मोबाइल कंपनीज़ को यहाँ डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करने पर कम लेबर कॉस्ट लगेगी। दोस्तों, उसके अलावा जब ये फ़ोन चाइना से पाकिस्तान इंपोर्ट होकर आते हैं तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस इन फ़ोन पर लग जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट प्राइस इन फ़ोन्स की बाकी कंट्री से बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब ये फ़ोन अगर मैन्युफैक्चर ही पाकिस्तान में होंगे तो कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मोबाइल की प्राइसेस भी बहुत अच्छे लेवल पर आ जाएंगी। उसके अलावा हमें फ़ोन्स भी मार्केट में लॉन्च इवेंट के होते ही मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ एक बैड पॉइंट है, वो ये है कि ये डिवाइसेस जब पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होंगी तो शायद शुरू में हमें डिवाइसेस में कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, वो भी इस सूरत में अगर अनस्किल्ड लेबर यहाँ आए, लेकिन वो भी वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।